आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, राइट। हमारे जो कोर्स है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ये हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं और आपके साथ हम यही चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि एक्सेल की जरूरत कहाँ पड़ती है। पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सेल से हम करेंगे क्या। फिलहाल आप लोग भी एक्सेल पे यूज करते हैं, एक्सेल की थोड़ी कुछ चीजें पता ही आपको, पर वी स्टार्ट द बेसिक्स। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेयर इज यूज द एक्सेल एंड व्हाट इज द यूज एक्सेल। तो एक्सेल के यूज के लिए मैंने 4-5 पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहला है हमारा डेटा स्टोरेज। सो हम एक्सेल का यूज करते हैं, एक्सेल के यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि कोई डेटाबेस नहीं है, एक्सेल नॉट ए डेटाबेस, बिकॉज डेटाबेस की बहुत सारे गाइडलाइन को, बहुत सारी चीजों को फुलफिल नहीं करता है। जैसे कि अगर इस पर आप ज्यादा डेटा डालते हैं तो एक्सेल फाइल करप्ट होने के चांसेस होते हैं। इसमें बहुत सारे डेटा डालने के बाद ये भी हो सकता है कि आपका फाइल बहुत ही स्लो परफॉर्म करे। दूसरी चीज, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही वीक है, इसके पासवर्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है। सो इट इज नॉट ए डेटाबेस। अब बात आती है कि डेटाबेस नहीं है तो फिर हम डेटा स्टोर क्या करेंगे। तो उसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे कि मिसलेनियस डेटा। आपकी कंपनी के पास ऑलरेडी उनके डेटाबेसेस होंगे, जैसे बहुत सारी कंपनी सिक्वल यूज करती है, ऑरेकल यूज करती है, सैप यूज करती है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस को यूज करती है। बट क्या होता है कि उनकी मिसलेनियस डेटा होती है उसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, आप अकाउंटिंग टीम में है, अकाउंट देखते हैं और आप टैली इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लगता है जो छोटे मोटे खर्चे हैं जिसको हम लोग पेटी कैश कहते हैं, क्या ऐसे चीजों की एंट्री हम टैली में कर सकते हैं? अब 2 रुपए की फोटो स्टेट हुई है तो क्या इसकी एंट्री हम टैली में करेंगे, क्रिएट करेंगे फोटो स्टेट 2 रुपए का? नहीं करेंगे ना सर। तो हमने एक लेजर कैश का और पेट्री कैश की पूरी डिटेल्स को हम रख देते हैं एक्सेल में। उसी तरह से मान लीजिए आप पेरोल पे काम करते हैं, आपके पास पेरोलिंग का सॉफ्टवेयर होगा, फिर भी आप अटेंडेंस वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह एक्सेल में ही जनरेट करें। सो मिसलेनियस डेटा का यहां यूज होता है सबसे पहले बार। दूसरा होता है आपका, वो होता है स्मॉल डेटा, एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं तो वो लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक मान लीजिए ना कि एक छोटा सा एक सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है जिसके पास 1000 या 1200 सिक्योरिटी गार्ड का साइट्स है और उसकी रेवेन्यू भी कम जनरेट होती है, तो क्या वो बड़ा सा ऑरेकल सॉफ्टवेयर को खरीद के उसको मैनेज करके और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटर को रख के यूज तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास उतना बजट ही नहीं है। तो वो लोग इस एक्सेल को एज ए डेटाबेस यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास अमाउंट ऑफ द डेटा बहुत कम होती है और डेटा नेटवर्क पे भी नहीं होता है। तो जो छोटे लोग हैं वो आपका डेटा स्टोरेज के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। रॉबिन जी, अबासी जी, बोल रहे हो ना? बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बोर नहीं हो रहे सर, ये तो रेट भी कर रहा हूँ। यस सर, आई कैन हियर। बोर तो नहीं हो रहा है ना आप? नहीं बोर नहीं हो रहा, मैं सुन रहा हूँ। क्या सर, थ्योरिकल क्लास में अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं? नहीं नहीं, थैंक यू, नहीं। ओके, तो डेटा स्टोरेज का तीसरा होता है, वो होता है, नहीं नहीं, आई एम लुकिंग एनालिसिस डेटा। तो डेटा स्टोरेज में हम यूज करते हैं तीसरा जो पार्ट होता है, वो होता है एनालिसिस डेटा। जैसे कि मान लीजिए आप, आपके पास बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आप जो है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, फिर भी एक्सेल में हम डेटा को स्टोर रखेंगे। कौन से डेटा को रखते हैं? एनालिसिस डेटा, एनालिसिस। हाँ, जैसे कोई रिपोर्ट आपको बनानी है तो रिपोर्ट बनाने के लिए आप एक्सेल पे डेटा डाउनलोड करोगे ना सर। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का एक, मान लीजिए कि हमने एक डेटा बनाया और मेरा ये जो हमारे स्टाफ्स की डेटा पेरोल टीम, पेरोल सॉफ्टवेयर है, फिर भी हमने डेटा को एक्सेल में रखा, क्योंकि जो ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो फॉर्मूले से जनरेट हो रहा है, तो फॉर्मूले के लिए तो डेटा चाहिए ना यहाँ पे।
yes sir, yes. आपको आपको मैं 15-20 मिनट कॉल करता हूँ, क्लास में बैठ रहा हूँ, तो क्लास में रिकॉर्ड होती है ना, बातचीत भी रिकॉर्ड हो जाएगी सर। सॉरी सर, तो आप तो रिपोर्ट तो फॉर्मूले से बनेगी, बहुत सारे एंगल से बनेगी, लेकिन उसका डेटा तो हमें एक्सेल पे स्टोर रखना पड़ेगा ना। तो डेटा स्टोरेज तीन चीजें करते हैं, पहला हमारा होता है मिसलेनियस डेटा स्टोर करना, दूसरा होता है ऐसे भी मतलब कि शॉर्ट मिनिमम एंटरप्राइजेस का डेटा स्टोर करना, चौथा होता है हमारा एनालिसिस डेटा को स्टोर करना। तो डेटा स्टोरेज के लिए हम तीन कैटेगरी डिफाइन किए। और दूसरी चीज बता दूं, जो ये मैं चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी रिसर्च है, ये कहीं से प्रमाणित नहीं किया हुआ है, समझे। मैंने 15 साल की कैरियर में जो एक्सपीरियंस किया है उसके बिहाफ पे मैंने एनालिसिस पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। अगली चीजें होती है वो होती है एक्सेल का यूज होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, और मेरे हिसाब से कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से अच्छा कोई चीजें नहीं हो सकती। कैलकुलेशन किसी भी तरह का हो, चाहे मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो, अर्थमेटिकल हो या एस्थेटिकल हो, हर तरह की कैलकुलेशन एक्सेल में की जा सकती है। जैसे कि सैलरी बनानी है किसी आपको, तो आपके पास पेरोल को सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूरी की पूरी सैलरी की कैलकुलेशन आप एक्सेल में तैयार कर सकते हो। आप अपने कमीशन की जो है कैलकुलेशन तैयार कर सकते हो, अपने बैलेंस शीट तैयार कर सकते हो, हर एक चीज आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल है अलग अलग कैटेगरी की, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेटा टाइम कैलकुलेशन, लुकर रेफरेंसेस, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल इंजीनियरिंग, क्यू इंफॉर्मेशन, क्यूबिटी, वेब, इतने सारे फॉर्मूले हैं जो कि कैलकुलेशन में सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे मैथमेटिकल है कि मैथमेटिक क्या है आपका, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस पावर, ये सारा ऑपरेटर इस्तेमाल करके हम कुछ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे मेरे पास क्वार्टर वन का सेल है और क्वार्टर टू का सेल है, क्वार्टर वन में मान लीजिए 50 है, क्वार्टर टू में मान लीजिए 60 है, ओके। मुझे यहाँ पे ग्रोथ निकालना है कि हाउ मेनी परसेंट ग्रोथ इन द क्वार्टर टू, तो इसके लिए ग्रोथ का फॉर्मूला है या नहीं है, है तो क्या ये हमारे ग्रोथ अलग ग्रोथ दिखाता है, एक ग्रोथ ग्रोथ भी जो हम देते लेते हैं, मुझे ग्रोथ चाहिए। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, लेटेस्ट माइनस ऑलवेज डिवाइड, क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर, सिंपल सा यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई, और हमें परसेंटेज शो हो जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन तो हमने देखा कि हम किस तरह से इजीली कर ली, तो कैलकुलेशन एक्सेल बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर आपको मान लीजिए किसी तरह की कैलकुलेशन तो इसका यूज कर सकते हैं। बोलिए सर जी, इनके वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरा आज इंटरनेट थोड़ा अच्छा नहीं है, नहीं मैं इसलिए अगर अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक जो आता है, वो अगला टॉपिक हमारा आता है कि कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं एनालिसिस। अब किसी
कि एनालिसिस के लिए एक्सेल का बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि एनालिसिस के लिए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी हैं, लेकिन क्विकली एनालिसिस जो है एक्सेल पे ही हो पाता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा तरीका दिखा रहा हूँ कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे डेटा है। एनालिसिस क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन, राइट? अब एनालिसिस में मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी किस रीजन में हमारा कितनी क्वांटिटी और किस एवरेज रेट से बिक रहा है, मुझे इसका डेटा चाहिए। तो मेरे पास सेल्स का डेटा है, मुझे जस्ट एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस रीजन में कितनी क्वांटिटी और कितनी एमआरपी से बिक रहा है। तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप देखें खरीद देखें कि विद इन मिनट, सेकेंड भी मिनट भी नहीं, मिनट से भी कम टाइम में इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां से निकाल लूंगा कि रीजन वाइज यहां पे क्वांटिटी का टोटल, यहां एमआरपी और एमआरपी का एवरेज। और इसमें अगर मुझे अगर मान ग्राफिक्स भी देना है तो हम यहां पे इजिली हम ग्राफिक्स दे देंगे। एक मिनट से भी कम टाइम में हमने अपने एनालिसिस को पूरा कर दिया, हमें एक रिपोर्ट से एक इंफॉर्मेशन निकाल ली। हमें लगता है कि इतना टाइम तो किसी अदर सॉफ्टवेयर को ओपन करने में लगेगा। यस सर। क्या? यस सर, यू आर राइट। तो एनालिसिस के लिए एक्सेल का इस्तेमाल बड़ी खूबी होता है। उसके बाद एक जो चौथा है वो है हमारा रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। अब बोले सर प्रेजेंटेशंस के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डायनेमिक रिपोर्ट्स की। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर एक रिपोर्ट में आपको यहां पे दिखा रहा हूं, क्या उस रिपोर्ट को आप जो है पावर पॉइंट पे बनाएंगे तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कितना आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने मैंने जो बड़ा रिपोर्ट नहीं छोटा सा रिपोर्ट ही दिखाया है, अभी रिपोर्ट्स है। अब मान लीजिए कि मैंने रिपोर्ट यहाँ पे दिखाया हुआ, राइट? अब मुझे ये रिपोर्ट है हमारा एशिया पैसिफिक का, राइट? अब मैं यहाँ यूरोप पे कर्सर रख दिया, देखिए मेरा पूरा रिपोर्ट जो है यूरोप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चेंज करेंगे तो मेरा फाइनेंस का टोटल दिख जाएगा। अब इतने सारे दिख रहा है आप, इतने सारे आपके ये है हिस्ट्री है, तो आपको क्या होगा इतने सारे स्लाइड्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पिवट पीस लगे ड्रॉप डाउन तो नहीं बनाई जा सकती ना। बट यहां पे हम इजिली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को एक सिंगल विंडो में, ठीक है सर? इसके लिए। और अगला जो है सबसे पावरफुल है, जिसके कारण जो है एक्सेल इतना पॉपुलर है, वो है शेयरिंग। अब मान लीजिए आपको और मुझे बासी जी, आपको अगर मुझे कोई रिपोर्ट या फाइल भेजनी हो तो मैं इसमें भेजना प्रेफर करूंगा। क्या बोल रहे हैं सर अब्बास जी? मुझे अगर कोई रिपोर्ट, कोई डेटा आपको भेजनी है, कोई रिपोर्ट आपको भेजनी है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन भेजनी है, यस सर आई कैन हियर, तो मैं किस मतलब कि कैसे भेजना आपको प्रेफर करूंगा? मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, क्या मैं आपको पावर बीआई में रिपोर्ट बना के भेज दूं?
क्या मैं टैबलू में रिपोर्ट बना के भेज दूं? बट प्रॉब्लम है कि आपके पास पावर वी में भेजता हूं तो आपके पास पावर वी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, टैबलू में भेजता हूं तो टैबलू में सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मैं तो एक्सेल में रिक्वेस्ट करता हूं ना। नहीं, तो हम लोग बिना जांच से समझे रिपोर्ट को एक्सेल में भेज देंगे, क्योंकि हमें 100% पता है कि आपके पास एमएस ऑफिस तो होगा ही होगा, समझ गए? अगर आपके पास ऑफिस नहीं भी होता है फिर भी आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। कैसे? यहां जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपको भेजा तो बस मैं इस क्लिक करके मैं गूगल सीट पे उसको देख लू। तो एक्सेल का इस्तेमाल अगर हम बात करें, देखिए गूगल सीट पे मैं रिपोर्ट को देख लिया ना सर, तो एक्सेल का यूज हम बात करें कि हम डेटा स्टोरेज कैलकुलेशन एनालिसिस एंड रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसके लिए हम रिपोर्ट एक्सेल का यूज करते हैं। समझ गया सर? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेनिंग देने का तरीका क्या होगा, ये पे जान लीजिए इसके बारे में भी। आपको पास मैं दूंगा ट्रेनिंग ऑफिस 365 पे, राइट? लेकिन जरूरी नहीं आपके पास अगर कोई और भी वर्जन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो हमारा एक्सेल है फैमिलियर है सारे वर्जन में, बस कुछ नए फीचर्स एड हो जाते हैं, ठीक है? ऑफिस 365 हम आपको बताएंगे और पढ़ने का तरीका होगा कि हम मेनू बार के हिसाब से, मेनू बार के हिसाब से करेंगे। पहले हम आपको फाइल मेनू पढ़ाएंगे, देन आपको होम, देन इंसर्ट, देन बाकी जो है सब करेंगे। इससे पहले क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी आपकी जो कोर्स है कहाँ है। ठीक है, आपको बता रहेगा कि आपका कोर्स कहाँ है। ये सिर्फ मेनू बार के हिसाब से चले। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेनू बार, बहुत ही बेसिक चीज है फिर भी मैं छोटी छोटी चीज बता देता हूँ। सबसे पहला विंडो आता है होम का, होम में आपके जो है रिसेंटली न्यू वर्कबुक और रिसेंटली यूज टेम्पलेट होता है। अब टेम्पलेट क्या होता है हम इसके बारे में आपको बताएंगे तो थोड़ी देर में। उसके अलावा यहाँ पे आपके सामने जो है रिसेंट फाइल आएगी जो कि आपने ओपन किए हुए हैं और लिस्ट यहाँ पे आएगी। इसमें देखिए एक रिसेंट है एक पिन है। अब पिन में क्या है, देखिए रिसेंट क्या होता है कि जो आपने फ्रिक्वेंसली फाइल ओपन करते हैं वो आपका रिसेंट फाइल में आता है। जैसे अभी मैंने सबसे पहले सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड किया था तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो धीरे धीरे लिस्ट जो है एक घटते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं फाइल नया नया फाइल ओपन करूंगा उस तरह से इसका लिस्ट भी आपका धीरे धीरे घटता रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई फाइल को आप बराबर ओपन करते हैं तो उसको आप पिन कर दें, जैसे देखिए मैंने इसको पिन किया, पिन कर सकते हैं, वो पिन वाले लिस्ट में आ जाएगा, हटेगा नहीं ये लिस्ट में। तो याद रखिएगा न्यू में भी आप आते हैं तो यहाँ पे आपके न्यू फाइल्स जो न्यू फाइल यहाँ पे आपके जो है टेम्पलेट क्या होता है इस चीज को जानो। जैसे मान लीजिए
मान लीजिए कि आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इनवाइस बिल बनाना है, अब इससे पहले आपने कभी इनवाइस बनाया नहीं है, आपको आइडिया नहीं उसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो आप यहां पे सर्च कीजिए बिल, ये इंटरनेट से आपके पास होना चाहिए उस समय, क्योंकि एक्सेस office.com से आता है। अब देखिए तुम आपको जो है इनवाइस जो है क्या है, कौन सा इनवाइस आपके फीचर का, जैसे मुझे मेरे लाइक की इनवाइस है, मैंने उसको देखा, मुझे पसंद आया कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर, और ये वर्ड पावर पॉइंट सब में होता है, टेम्पलेट बना बनाया होता है, आप यूज कर लीजिए। अब इसमें क्या है, पूरी तरह से फॉर्मेटेड बनी हुई है, आपको क्या करना है, अपने कंपनी का नाम, कंपनी का स्लोगन, डेट्स, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर डिटेल्स, बाकी चीजें चेंज करनी है, और आपका इनवाइस रेडी है, और इसको इसको एक पेज में आसानी से प्रिंट मार या पीडीएफ में सेव कर। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाने में टाइम तो वेस्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप अगर इस पूरी फॉर्मेट को तैयार करते हैं तो आपको इसमें काफी टाइम कंज्यूम होने वाला। दूसरी चीज, इसका एक और फायदा है लर्नर्स के लिए, जैसे आप लर्नर है तो आपको पता करना है कि ये किस 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 तरह की रिपोर्ट और कैसे कैसे फॉर्मेट हम एक्सेल में तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अभी आपके लिए होमवर्क भी है सर, आप यहाँ पे जो है 8-15 जितना हो सके उतने रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप देखें कि ये रिपोर्ट कैसा है, क्या होगा इससे आगे जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको भी पता रहेगा कि हाँ इस तरह के फॉर्मेटिंग, इस तरह के चार्ट, इस तरह के प्रोफाइल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट टाइमलाइन है कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट यहाँ से, दूसरा यहाँ पे प्रोजेक्ट वन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टू है, यहाँ प्रोजेक्ट थ्री माइलस्टोन, सॉरी माइलस्टोन होता है, तो ये आपका माइलस्टोन यहाँ पे दिया हुआ है, कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। जैसे मान लीजिए हम इसी की बात कर रहे हैं, नीचे वाले मान लीजिए कि हमारा ये माइलस्टोन 8/2 पे स्टार्ट हुआ है 20 फरवरी में, और हम क्या कर रहे हैं कि ये खत्म हो गया है, मान लीजिए 6 दिन चला है, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है यहाँ पे, तो इस तरह की रिपोर्ट को आप यूज करें। तो अभी आज का जो आपका होमवर्क है यही है कि आप जो है इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स को डाउनलोड करेंगे, अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे, जैसे कि आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो आपके बिजनेस कैटेगरी के सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप 10-15 टेम्पलेट को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद उसको आप एक बार रिसर्च करें, उसको देखें समझे। ठीक है आवासी जी, यस सर, ये सारे ऑफिस में होता है और नहीं सिर्फ एक्सेल 2019 में? सारे ऑफिस में, सारे ऑफिस। अच्छा ठीक 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 है, इसको यूज करें, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई कभी किसी तरह पूछना हुआ तो आप मुझे कॉल करें। ओके, कल मिलते हैं, और हाँ कल प्लीज आप लेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बाद एक और क्लास होती है, तो 11:30 इंडिया टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज 15-20 मिनट लेट हो गए। ओके सर, ओके सर, सॉरी फॉर द लेट। ओके श्योर सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।